वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। सबक नंबर वन, हमने रब का हुक्म माने इसकी रीडिंग आपको दी थी, ठीक है, और अल्फाज मायने आपने लिख लिए थे। आज हमने करना है सफ़ा नंबर चार, सवालों के जवाब लिखिए। उसके लिए सबसे पहले नोटबुक का पेज रेडी करना है। पीर, 5 अप्रैल 2021, जमात का काम, बॉर्डर लाइन, सबक नंबर एक, हम्द, उनवान, सवालों के जवाब लिखिए। सवाल नंबर वन है, हम्द किसे कहते हैं? जवाब, हम्द उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है। सवाल नंबर दो, नज़म में से अल्लाह ताला के चार सिफाती नाम ढूंढ कर लिखिए। सिफाती नाम की तारीफ आपने कर ली थी, ठीक है, और सिफ्त आपने सिफ्त की तारीफ भी आपने पढ़ ली थी। तब यहाँ से अल्लाह ताला के सिफाती नाम तलाश करते हैं। एक है खालिक, राजिक यानी रिस्क देने वाला, खालिक पैदा करने वाला, मालिक हर चीज़ का मालिक है ना अल्लाह ताला। ये अल्लाह ताला की सिफ़त है ना कि अल्लाह ताला ने हमें बनाया भी है, खाने पीने का भी मिल रहा है। मालिक हाकिम, हाकिम यानी बड़ा, आका। तो ये मैंने आपको बताया कि मैंने कैसे सिफ़त देखी है, ऐसे ही, ठीक है। ये सवाल नंबर दो का जवाब है, अल्लाह ताला की चार सिफ़ात, खालिक, राजिक, मालिक, हाकिम। सवाल नंबर तीन है, नज़म में दिए गए सिफाती नामों के अलावा अल्लाह ताला के तीन और सिफाती नाम सोच कर लिखिए। अल्लाह ताला के तो बहुत से सिफाती नाम हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने हमें तीन कहा है, तो तीन में एक लिखते हैं रहमान, यानी कि बेहद रहम करने वाला, ये भी अल्लाह ताला की सिफ़त है। अलबारी, जान डालने वाला। गफ्फार, दरगुजर करने वाला, यानी हमारी गलतियों के बावजूद अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाते हैं। फिर सवाल नंबर चार है, अल्लाह ताला की दी हुई 5 नेमतों के नाम लिखिए और उनकी तस्वीरें अपनी कॉपी में बनाकर रंग भरिए, ठीक है। आपने कोई सी 5 नेमतें बनानी है, उनके नीचे नाम लिखने हैं और उनमें प्यारा प्यारा कलर करना है, ठीक है। सवाल नंबर दो है, नज़म का जो शेर आपको सबसे अच्छा लगा है उसे 3 बार अपनी कॉपी में खुशखत कीजिए। ये सारे कॉपी के किताब पे जो सवाल हैं ये सारे आपने अपनी नोटबुक पर करने हैं, ठीक है। और एक और सवाल लिखना है, सवाल नंबर 5, सिफ्त की तारीफ़ लिखिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।